Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 6 प्लस और ये फोन आपका हैंग होके चल रहा है तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। वीडियो में कुछ छोटे छोटे स्टेप बताए हैं जिन्हें फॉलो कीजिए जिसके द्वारा आपके फोन में जो भी हैंग प्रॉब्लम आ रही है उसको बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं आपको क्या क्या करना होगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो कि आप उनका यूज नहीं करते और आपके फोन में वो इंस्टॉल भी है, तो उन एप्लीकेशन को फ्रेंड्स आपको निकाल देना है जिनका आप यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक है फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन जिनका आप यूज नहीं करते, तो इस तरह से उनको आप अनइंस्टॉल कीजिए। जिसके बाद आपके फोन का एक चीज और ध्यान रखना है, जो इंटरनल स्टोरेज रहता है उसका आपको सिर्फ 80% यूज करना है, मतलब 80% से आपको ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो इससे ज्यादा यूज करते हैं तो फोन में आपके स्लो हो जाता है और हैंग प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस फोन में फ्रेंड्स आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहते हैं महीने बाय महीने, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो सिंपली आपको आपको अपने फोन की जो सेटिंग रहती है उसमें आना है और यहाँ पे आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर लेना है। यहाँ पे आइए, सिस्टम पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट, जैसे कि देख सकते हैं सिस्टम अपडेट, इस पर क्लिक करके आपको सिस्टम अपडेट चेक कर लेना है। अगर आपका फोन सिस्टम अपडेट नहीं होगा तो आपके फोन में लैग प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके बाद अगर आप ये सब सेटिंग को फॉलो करके रखते हैं जिसके बाद भी फोन हैंग होता है तो उसके लिए कुछ सेटिंग कर लीजिए, तो उसके लिए आपको जाना होगा पहले फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में आने वाले टॉप पे आपको देखने को मिलेगा माय फोन, इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद हल्का से यहाँ से स्क्रॉल कीजिए तो आपको बिल्ड नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको 7 बार टैप करना है। जिसके बाद आपके सामने एक लॉक आएगा जो कि आपको लॉक लगा देना है, जो भी आपका स्क्रीन लॉक है वो आपको लगाना है, तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है। इसको इनेबल करने के बाद अब आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा, उसके लिए पहले सबसे लास्ट में आइए, यहाँ सिस्टम देखने को मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से फ्रेंड्स आपको कुछ सेटिंगों को बहुत ध्यान से फॉलो करना है, तो यहाँ से स्क्रॉल कीजिए नीचे के साइड आइए, विंडो एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि आपको यहां से ऑफ कर देनी है वो, तो यहां देख सकते हैं विंडो एनिमेशन आ चुके, इन पर क्लिक करना है, यहां से इसको ऑफ कर देंगे। 3 एनिमेशन देखने को मिलेंगे, तीनों ही लाइन से हैं, इनको इस तरह से ऑफ करना है। थोड़ा सा नीचे की साइड और आ जाना है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका सेलेक्ट मिलता है आपको स्टैंडर्ड लिमिट पर, यहाँ पे आपको इस पर सेलेक्ट नहीं रखना है, आपको रखना है यहाँ पे एटमोस्ट 2 प्रोसेस पर। सिंपल इस पर क्लिक करके अब आपको आ जाना है वापस। अब आप देख सकते हैं आपका फोन काफी ज्यादा फास्ट चलना शुरू हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका फोन हैंग हो रहा है, लैग होके चल रहा है, तो आपको एक और सेटिंग कर लेना है जो कि आपको करना है अपना फोन रीसेट। अगर अपने फोन को आप रीसेट करते हैं तो फोन में जो भी डाटा रहेगा जैसे कि फोटोज, वीडियोस एंड कॉन्टेक्ट नंबर, वो सभी डिलीट हो जाएंगे। अगर आपका इम्पोर्टेंट डेटा है तो हो सकता है फ्रेंड्स आप इस फोन में अपने इम्पोर्टेंट डेटा को खो सकते हैं, तो उसको पहले सेव कर लीजिए। अगर आपको नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं, तो आपको सिंपली अपनी फोन की सेटिंग में आना है, सिस्टम पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है रीसेट ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा इरेस ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर क्लिक करना है। इरेस ऑल डेटा पर क्लिक करके आपको जो भी स्क्रीन लॉक है वो आपको लगा देना है, तो आपका फोन यहाँ पे इरेस हो जाएगा। इरेस होने में आपका लगभग 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं और ज्यादा भी टाइम लग सकता है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आपका फोन रीसेट होने के बाद तुरंत ऑन हो जाएगा। फिर अपने फोन का आप सेटअप करके बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसका आप सेटअप कैसे कर पाएंगे। रीसेट होने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, आपको स्टार्ट पे पहले क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है चलिए आगे जानते हैं। यहाँ आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको पहले स्किप करना है। स्किप करने के बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन रहती है वो एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको सामने कुछ इस तरह से आएगा, फिर आपको कुछ देर वेट करना है, फिर मोर पर क्लिक करना है एंड फिर मोर करना है एंड एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से आपको स्क्रीन लॉक सेट करने के लिए बोलता है, चाहे तो कर सकते हैं, तो आप स्किप ऑलवेज पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ ओके कीजिए। इसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, तो आपका फोन का सेटअप हो चुका है। इस तरह से अब आपको आप इस फोन को दोबारा से यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।